हे गाइस, ये हैं वन प्लस के बुलेट वायरलेस 2। और ये जब लॉन्च हुए थे तो मैंने खरीदे थे 6,000 रुपये में। अभी इसका प्राइस कुछ 4,500 रुपये है। और मैं यार इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे वन ऑफ द फेवरेट ये नेक बैंड है, क्योंकि इनकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी कमाल की है और साथ में इसमें जो गेमिंग में लैग वगैरह नहीं मिलता है, APTX का सपोर्ट है। तो काफ़ी यार प्रीमियम ईयरफोन्स हैं वन प्लस की तरफ से। लेकिन अब जब वन प्लस ने नए वायरलेस यहाँ पर अपने बुलेट वायरलेस Z लॉन्च कर दिए हैं, और ये जो नेक बैंड है करीब आपको सेम एग्जैक्टली फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो प्राइस है वो है 1,999 रुपये। 2,000 रुपये में आपको ये जो ईयरफोन्स आप खरीद सकते हैं। और आप में से भी यार बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि इसकी अनबॉक्सिंग करो, साथ में इसको पब्जी में टेस्ट करो, क्योंकि इसमें लो लेटेंसी मोड है। तो आज की वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ में इसको पब्जी में भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसमें जो लेटेंसी है वो आपको कितनी मिलती है। तो फ्रंट में आपको जैसे दिख रहा है एग्जैक्टली सेम है जैसे वन प्लस के बुलेट वायरलेस 2 थे। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बुलेट वायरलेस Z इनका नाम है। पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह लिखे गए हैं, वॉप चार्ज, लॉन्ग बैटरी लाइफ और मैग्नेटिक कंट्रोल, वाटरप्रूफ है, क्विक स्विच और लो लेटेंसी मोड। तो ऑलमोस्ट यार सिमिलर फीचर हैं जो आपके बुलेट वायरलेस 2 में थे। और उसके बाद यहाँ पर जो प्राइस लिखा गया है वो लिखा गया है 2,190 रुपये, लेकिन ये 1,999 रुपये में वन प्लस की साइड से आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे बुलेट वायरलेस Z। और 1,999 रुपये के हिसाब से यहाँ पर जो पैकेजिंग है, जैसे आप देख सकते हो यार, काफ़ी प्रीमियम है। इस प्राइस पे मैं इस तरह की पैकेजिंग एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। और जल्दी से इसको इसके बॉक्स से भी बाहर निकाल लेते हैं। और ये रहे हमारे बुलेट वायरलेस Z, और देख सकते हो यार एग्जैक्टली यार काफ़ी हद तक सिमिलर लुकिंग ये जो ईयरफोन्स हैं जो आपके बुलेट वायरलेस 2 थे। तो मुझे यार काफ़ी सही लगे, यहाँ पर इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी सही लगी। एक बार इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ और बाकी बॉक्स के कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और एक्सेसरी बॉक्स है, और इस बॉक्स में आपको इसकी एक चार्जिंग केबल मिलेगी, USB-C चार्जिंग केबल है, और साथ में इसके कुछ ईयर टिप्स भी दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और बॉक्स के कंटेंट इतने ही थे, अब आ जाते हैं हमारे बुलेट वायरलेस Z की तरफ। तो ये रहे हमारे बुलेट वायरलेस Z, और नेक बैंड जो है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे आपके बुलेट वायरलेस 2 थे। लेकिन यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको प्लास्टिक मिलती है, बुलेट वायरलेस 2 में आपको जो मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिलती थी। तो यहाँ पर ये के डिफरेंस है, लेकिन दिखने में और फीचर्स में ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक सिलिकन बैंड मिलता है, तो आपको अपने नेक के अराउंड पहन सकते हैं जिम करते टाइम कैसे भी। तो जैसा यहाँ देख सकते हो यहाँ पर वन प्लस की ब्रांडिंग है, एक स्विच मोड है जिससे आप क्विक स्विच कर सकते हैं डिवाइसेस के बीच में, तो वो मैं आगे दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर एक USB-C चार्जिंग पोर्ट है, क्विक यहाँ पर चार्ज ये सपोर्ट करता है, वॉप चार्ज। उसके अलावा दूसरी तरफ यहाँ किसी तरह का कोई भी फीचर नहीं है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर नेक बैंड की काफ़ी अच्छी खासी है, वायर भी काफ़ी अच्छी खासी है, सेम एग्जैक्टली। यहाँ पर बीच में आपको एक म्यूज़िक कंट्रोल दिया गया है, जिसमें बीच में जो बटन है जिससे आप सॉन्ग प्ले, पॉज, म्यूज़िक नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं, साउंड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर एक माइक दिया गया है। और इस नेक बैंड में जैसा यार वन प्लस का कहना है कि एक बार अगर आप चार्ज करते हैं तो करीब 20 घंटे आप इसमें म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं, और 10 मिनट अगर आप चार्ज करते हैं तो करीब 10 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाता है। तो काफ़ी कमाल का प्लेबैक टाइम आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे ईयरबड्स की तरफ। तो ईयरबड्स जैसा आप देख सकते हैं इनका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा अलग तरह का डिज़ाइन है जैसे आपके वन प्लस के बुलेट वायरलेस 2 में था। और यहाँ पर भी जो ईयरबड्स हैं ये मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं, यानी कि अगर आप नेक के अराउंड पहनते हैं जिम करते टाइम, रनिंग करते टाइम, तो ये इधर उधर गिरेंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो फीचर है सॉन्ग प्ले पॉज करने के काम भी आता है जैसे आपके बुलेट वायरलेस 2 में थे। और इन ईयरफोन्स का जो ड्राइवर है वो है 9.2 mm का, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। तो जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी हद तक सिमिलर है जैसे बुलेट वायरलेस 2 था। और अब एक बार जो इसको मैं अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, इसके जो बाकी फीचर हैं वो देख लेते हैं। तो वन प्लस बुलेट वायरलेस Z को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है तो आपको सिर्फ अपने जो ईयरबड्स हैं इन्हें अलग करना है मैग्नेटिकली जो अटैच है, उसके बाद थोड़ी देर में ही ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा और आपको सिर्फ पेयर पे टैप करना है। तो पेयर तो हो गए, अब एक बार फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। तो म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए यहाँ पर आपका जो बीच का बटन है उसे एक बार प्रेस करना होगा। यहाँ पर ये म्यूजिक प्ले हो गया है, वापस से प्रेस करेंगे तो पॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए आपको डबल टैप करना होगा तो ये नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाता है। वापस से प्रीवियस सॉन्ग पे जाना है तो आपको ट्रिपल टैप करना होगा तो ये प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाता है। और उसके बाद इसी बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपका सीरी, गूगल असिस्टेंट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। और वॉल्यूम घटाने बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर डेडिकेटेड बटन दिए ही गए हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम घटाना बढ़ाना भी काफ़ी ईजी है। तो जो म्यूज़िक कंट्रोलर है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और काफ़ी यहाँ पर जो बटन है काफ़ी क्लिकी भी है। उसके बाद इन ईयरफोन्स में भी आपको बुलेट वायरलेस 2 की तरह यहाँ पर एक स्विच का बटन भी दिया गया है जिससे आप दो डिवाइसेस के बीच में क्विकली स्विच कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस बटन को दो बार प्रेस करेंगे तो प्रीवियसली कनेक्टेड डिवाइस है उससे ये कनेक्ट हो जाता है,
और काफ़ी अच्छे से ये जो बटन है काम कर रहा है। तो ये जो बटन है ये ऑब्वियसली यार काफ़ी यूज़फुल रहता है, मैं काफ़ी टाइम से इस तरह का जो फीचर है यूज़ कर रहा हूँ बुलेट वायरलेस 2 में भी। तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको इस तरह का फीचर दिया गया है। और अब बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो मैं यार इन ईयरफोन्स को काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो ईयरफोन्स आते हैं 2000 रुपये में, और 2000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर इनकी जो साउंड क्वालिटी मैं बोलूँगा काफ़ी इंप्रेसिव है। मैं बुलेट वायरलेस 2 यूज़ कर रहा था और काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको सिमिलर साउंड क्वालिटी मिलती है, काफ़ी क्रिस्प क्लियर लाउड साउंड है। इवन बुलेट वायरलेस 2 से भी यहाँ पर आपको लाउड साउंड सुनने को मिलेगी। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर बात करूँ इनकी म्यूजिक क्वालिटी की, तो यहाँ पर मिड हाई और लो है, तीनों में जो सेपरेशन है वो काफ़ी अच्छा खासा है, किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। लेकिन अगर आप बेस हेड हैं तो आपको इनमें जो बेस है वो थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी कमाल की है। वीडियोज़ में भी आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपको लो लेटेंसी मोड दिया गया है। और अगर हम बात कर रहे हैं लो लेटेंसी की, तो एक बार इसको पबजी में टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ पर आपको लेटेंसी कितनी मिलती है। और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि इन ईयरफोन्स को गेमिंग के लिए लेना पसंद करेंगे, पबजी के लिए खास तौर पे। तो जल्दी से पबजी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो लो लेटेंसी है वो चेक करते हैं। तो दोस्तों पबजी स्टार्ट हो गई है और मैंने अपने जो बुलेट वायरलेस जी हैं उन्हें एकदम माइक में लगा दिया है ताकि आप भी आवाज़ सुन पाओ और जज कर पाओ यहाँ पर लेटेंसी कितनी है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर वन प्लस का 7 प्रो यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि आपको कितनी लेटेंसी मिलती है, क्योंकि वन प्लस का ही कहना है कि वन प्लस के डिवाइसेज के साथ यहाँ पर जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम मिलती है। तो सबसे पहले इसी में चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर फायर पे क्लिक करूँगा उसके बाद जो अपनी फिंगर लिफ्ट करूँगा तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर साउंड में जो डिले है वो कितना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम है, और सेम एज आपको जैसे वन प्लस के बुलेट वायरलेस 2 में जो लेटेंसी थी वो काफ़ी कम मिलती थी, यहाँ पर भी आपको वैसे ही मिल रहा है। लेकिन बुलेट वायरलेस 2 में आपको APTX का सपोर्ट था, यहाँ पर APTX का सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर टैप करूँगा उसके बाद फिंगर लिफ्ट करूँगा और तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी खासी आपको जो लेटेंसी है कम मिलती है और काफ़ी अच्छे से मुझे लगता है कि पबजी खेल सकते हैं। अब एक बार इसको किसी और दूसरे एंड्रॉयड फोन के साथ पेयर करके देख लेते हैं, देखते हैं वहाँ पर जो लेटेंसी है वो कितनी कम है। तो अब मैंने वन प्लस के बुलेट जी हैं उन्हें कनेक्ट कर लिया है सैमसंग के S9 के साथ और देखते हैं यहाँ पर जो है लेटेंसी कितनी है। तो यहाँ पर भी जैसे मैं यहाँ पर फायर के बटन पर क्लिक करूँगा उसके बाद फिंगर लिफ्ट करूँगा ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पर जो साउंड डिले है वो कितना है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो जो लेटेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस के डिवाइसेस के साथ। तो एक बार आप दोबारा दिखा देता हूँ, तो टैप करने के काफ़ी देर बाद साउंड आ रही है। जैसा आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ, फिंगर लिफ्ट कर रहा हूँ और उसके बाद जैसे यहाँ पर टैप करता हूँ तब यहाँ पर साउंड आती है। तो काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी है। अगर आप वन प्लस का डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर लेटेंसी का इशू नहीं मिलेगा, पबजी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो साउंड डिले है वो देखने का मिलेगा गेमिंग में। और पबजी के लिए मैं बोलूँगा कि इन ईयरफोन्स को मैं रिकमेंड नहीं करता अगर आप वन प्लस के डिवाइसेज के अलावा कोई और डिवाइस यूज़ करते हैं तो। तो वन प्लस के डिवाइसेज के साथ आप इन ईयरफोन्स को खरीदना चाहते हैं और पबजी खेलना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बॉक्स के पीछे भी लिखा गया है कि अल्ट्रा लो लेटेंसी व्हेन गेमिंग ओनली वर्क इन वन प्लस फनेटिक मोड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है तो आप इन ईयरफोन्स को ले सकते हैं गेमिंग के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन है तो जैसा आपने देखा वहाँ पर जो लेटेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है और मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा गेमिंग के लिए। लेकिन अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो ईयरफोन्स हैं इनकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही कमाल की है। 2000 रुपये के अंडर में मुझे लगता है कि इन ईयरफोन्स में जो आपको फीचर्स मिलते हैं, साउंड मिलती है, वो काफ़ी अच्छी खासी, और आप ये जो ईयरफोन्स हैं ले सकते हैं। तो आपको कैसे लगे ये ईयरफोन्स वन प्लस के बुलेट जी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में आपको हमारा ये चैनल पसंद आए, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज़ लेके आऊँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूँगा अगली बार।